अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी भांजी कंप्लीट डॉक्टर अभी बन चुकी है और अल्लाह ताला उसको कामयाबी दे। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। आज इसी खुशी में मैं डिज़र्ट बना रही हूँ, केक, जो स्टैंड केक है, ब्लैक फॉरेस्ट केक, जिसके लिए हम ब्रेड ले लिए। नॉर्मल वाली ब्रेड है, ये छोटा साइज है इसका, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। और हम ये चॉकलेट लिए, डार्क चॉकलेट है ये। क्रीम लिए, विप क्रीम, क्रीम लिए हम गोल्डन वाली। और शक्कर लिए 50 ग्राम, इसका सिरप बनाएंगे हम। और ये शहदूद है, इसको ब्लैकबेरी भी कहा जाता है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हम इसके एक्स्ट्रास निकाल लेंगे इस तरीके से, सीजर से सारे हम इसी तरह से निकाल लेंगे। और एक से चार का हम इस तरीके से शेप देंगे, इस तरीके से सारे मैं निकाल के आप लोग को बताऊंगी। अभी क्रीम भी फोरी इस तरह से हम बना लेंगे हार्ट शेप। अभी हम इसका सिरप बना लेंगे, मेल्ट करेंगे इसको हम। इसको थोड़ा कद्दूकस करके भी रख लेंगे हम। हमारा क्रीम विप हो गया, अभी हम इसको फ्रिज में रख देंगे। अभी हम चॉकलेट को कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह से हम चॉकलेट निकाल लिए, अभी इसको इस तरीके से कर लेंगे। देखिए, छोटे में भी कर सकते हैं, बड़े से भी कर सकते हैं, जो साइज चाहिए उसे सारा हम करके रख लेंगे। चॉकलेट को हम मेल्ट कर लिए, अभी इसमें डाल लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से हम। अभी इसको हम मिक्स करके रख लिए, अब हम केक बनाएंगे। हमारे पास नहीं है इसलिए हम प्लेट में बना रहे हैं। और इसको रख लिए, इस तरह से हम इसको राउंड करते जाएंगे। अभी हम ब्रेड लगाएंगे, इससे पहले हम थोड़ा क्रीम लगा लेंगे। ताकि हमारी ब्रेड हटे नहीं। इस तरह से हमको लगाना है। इसका शेप हम हार्ट जैसा बना रहे इस तरीके से। देखिए, एक ऐसा आया लॉज में, फिर ये जो हम कट करे थे ये राउंड ये साइड आया। अभी हम क्रीम लगाएंगे इसके ऊपर। पहले हम सिरप लगाएंगे, शुगर सिरप, इस तरह से। इसके बाद हम क्रीम लगाएंगे। अब हम क्रीम लगाएंगे धीरे धीरे से, हल्के हाथ से हम सारा क्रीम लगा लेंगे। इस तरह से हमको लगाना है। सारा हो गया हमारा, फिर से हम इसी तरह से रख लेंगे। देखिए, ये रख लिए हम, ये वाला भी इसी तरीके से रख लेंगे। माशाल्लाह, कितनी आसानी से हो जा रहा। अगर हमारे पास सामान नहीं हो तो हम परेशान नहीं होना चाहिए कि हम बना कैसे सकेंगे, हम आराम से बना सकते। मैं आप लोग को इसी तरीके से बताऊंगी कि हम घर के सामान से बना सकते। इसको भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। इस पर हम क्रीम लगाएंगे फिर से। हम जितने चाहे लेयर लगा सकते हैं, 3-4 जितने ब्रेड है हमारे पास उतने हम लगाएंगे। इस तरह से नीचे अगर कुछ बर्तन हो तो हमको आसानी होती कि हम इसको राउंड कर सकते हैं अच्छे से।
अभी इसके ऊपर हम शहदूत डालेंगे। फ्रूट में कुछ भी डाल सकते हैं, अपनी मर्जी है। फिर से इसी तरीके से हम रखते जाएंगे, यही तरीके से हमको बार बार करना है। ये वाला भी हम रख दिए। अभी फिर से इसी तरह हमको करना है। तीन हो गए हमारे लिए और एक बाकी है मेरे पास, चार हो जाएंगे। कम बजट में बहुत अच्छा केक बन जाता, आप लोग ज़रूर बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है ये। आज मेरी भांजी के लिए मैं बना रही हूँ ये। माशाल्लाह उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, उन्होंने डॉक्टर बन चुके हैं, इसी खुशी में मैं आज केक बना रही हूँ। ना हम ओवन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना हम पैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना हम किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बिना गैस चलाए हम ये केक बना रहे हैं आज, जो बच्चे भी बना ले सकते हैं आसानी के साथ, मुश्किल नहीं है। अभी हमारी ये लास्ट वाली भी हो गई, हम इस पर क्रीम लगा लेंगे पूरा, इस तरह से सारा क्रीम हम लगा लेंगे। हम साइडों से लगाते हुए ऊपर जाएंगे, इस तरह से हम लगा लेंगे, करेंगे इस तरह से, क्लीन करते हुए हम लगाते जाएंगे। थोड़ा ध्यान से करना है, बाकी सब आसान है। इस तरह हम करते हुए जाएंगे। सारा क्रीम हम लगा लिए, अभी इस चाकू से हम क्लीन कर लेंगे इस तरह से। हल्का हल्के हाथों से हमको करना है। इस तरह से कर लेंगे हम। अभी ये हो गया, हम इस तरीके से इसको क्लीन करते हुए हमको साफ करना है, अच्छे से हमको इसको क्लीन करना है। अभी ये कंप्लीट है, हम इस पर डेकोरेशन करेंगे। ये हम ले लिए जो हम कद्दूकस करके रखे थे ये चॉकलेट, अभी हम इस तरीके से लगाते जाएंगे। सारा हमको ऐसे ही लगाना है। और ये सारा इसके ऊपर डाल देंगे हम इस तरह से। माशाल्लाह देखिए इसकी खूबसूरती, कितना प्यारा दिख रहा है। ना हम केक बनाए, ना हम कुछ हार्ड करें, ब्रेड के साथ आसानी के साथ हमारा केक तैयार हो गया। अभी हमारा केक कंप्लीट है, हम इस पर ये व्हाइट क्रीम से डेकोरेशन कर लेंगे, थोड़ा डेकोर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, इस तरह से हम कर लेंगे, छोटे छोटे फ्लावर जैसा हम बना के छोड़ देंगे इसको। हम घर का ही कोन बनाए, हमारे पास कोन भी नहीं है, हम घर के ही सामान के साथ अच्छे से केक बना सकते हैं। देखिए इसी तरीके से, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, सारे हम ऐसे ही कर लेंगे।
माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दिख रहा है ये। और ये हो गए हमारे, अभी हम इसको इससे सजा लेंगे। चाहे तो चेरी भी रख सकते हैं। अभी हमारा केक कंप्लीट है, हम इसको 30 मिनट्स रखेंगे फ्रिज में। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा आधा घंटा हो गया है, फ्रिज से निकाल लिए। अभी इसको हम काटेंगे। देखिए माशाल्लाह, देख सकते हैं आप, ये लग भी नहीं रहा है कि ये ब्रेड से बना है। देख सकते हैं आप लोग, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना। आप लोग भी बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है ये, बहुत यम्मी है। आप लोग जरूर बनाइए। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जज़ाकअल्लाह।